मैं बोली कि बाजरी का आटा इतना अच्छा था, ज्वारी का भी बहुत अच्छा था। कोई भी ज्वारी का कब लाने वाले हैं? परसों आएगा। अरे तू ले लेना बेटा, मैं ले लूंगा। बहुत अच्छा आटा। ऑलिव ऑयल है क्या आपके पास? ऑलिव ऑयल मेरा बेटा ऑलिव ऑयल खाता है। चले हाँ चले। वो कौन सा ऑयल है भाई? अरे ना वो बाजरी का आटा भी एक नंबर था। ज्वारी भी रखते हो? ज्वारी का आटा भी है ना, आज निकल आएगा, परसों आएगा, परसों 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 आएगा। अपन खुद करवाते हैं ना। हाँ इसकी क्या आटा था, बहुत अच्छा। मक्की का भी अपना सुपर। अभी बाजरी है? बाजरी का है दे दो। नहीं अभी पहले का इतना सामान रखो। चलो चलो भाई, हमको सुकून जरा भी नहीं है हमारे लाइफ में। देख रहे हो इतना टाइम काम करने के बाद सब करने, घर पे मेहमान आके गए, उसके बाद भी हम निकले इतनी दूर, और ये तो दुकान हमारी बहुत फेवरेट हो गई है ना, बहुत अच्छी चीज मिलती है। चलो कितने बजे तक आएगा? चल जल्दी आ, ठीक है, बाय बाय। चलो मेरे हाथ में दे दिया स्टीयरिंग, मैं चलाती हूँ गाड़ी। अभी जस्ट आई घर, इतनी थक गई पूछो मत, क्योंकि वहाँ से अमीन को छोड़ के निकली और फिर वहाँ से अपना काम के लिए गई, उसके बाद वहाँ से फिर गई रेशमा के इधर, उधर थोड़ी सी कॉफी पी, वहाँ भी कुछ काम था, वो काम पटा के आधे आने में इतना लेट हो गया। और एक तो हवा से, अभी ठंडी हवा चल रही है तो उसकी वजह से जो कान टोची हूँ दर्द बहुत हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल मतलब ऑइलमेंट या कुछ लगाती हूँ। और अम्मी अली ने तो फ्राइड राइस मंगाया, बोला आपके लिए मम्मा रखा हूँ, मुझे पीना था सूप। मैं बोली ठीक है, बोला सूप ऑर्डर कर दो, मैंने नहीं करना है, तो वो थोड़ा सा फ्राइड राइस खाती हूँ, फटफट सो जाती हूँ, बहुत थकावट हो रही है। क्या हुआ? पहले एक रह देते मेरे पीछे पीछे, अब दो दो तीनू और जिमी। सुबह सुबह मुझे नमाज के बाद हमेशा इतनी नींद रहती तो फटक करके जाके सो जाती हूँ, लेकिन आज इतनी भूख लग रही है और नींद हल्की सी आ रही है पर भूख ज्यादा लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कैलॉग्स खा लूँ। और मोस्टली अमीन जो खाता है, कल भी बहुत सारी लेकर आई हूँ, ये खाती हूँ। और इसी के साथ साथ सुबह का थोड़ा नाश्ते की तैयारी भी कर सोती हूँ। और क्या है भाई, यहाँ पे सारे अंडे वंडे रखे थे, पता नहीं दिख नहीं रहे कहाँ पे रखे हैं, तो रेशमा ने मालूम नहीं। आइए थोड़ी पपई और थोड़ी मलाई निकाल के रखती हूँ, जब उठूंगी तब खाऊंगी, क्योंकि इतनी ठंडी हो जाती है खाने को मज़ा नहीं आता। इसके साथ साथ निकालती हूँ और थोड़ा सा खाती हूँ मोस्टली। इन लोगों को तो दे दिया मैंने खाना, अंडे भी रखे थे यहाँ पे, पता नहीं रेशमा ने कहाँ रख दिए अंडे। और इसके साथ साथ अम्मी इनके लिए निकाल लेती हूँ सुबह सुबह चिकन, जब ठंडी है इतना चिकन हो गया ठंडा। अम्मी इनके लिए निकाल लेती हूँ चिकन, अपने लिए निकालती हूँ मूसली। सुबह मस्त नाश्ता करके आज नमाज के बाद सो ही नहीं, तो कितना बजा पता है? अभी बज गया है 7। नाश्ता करके थोड़ा इधर उधर का काम पटा के बाजार जाना है, क्योंकि उसे भेजा पाए और थोड़ा सा कीमा वगैरह लाना है। सोच रही नहीं सोऊंगी तो भी सब रह जाकर। क्या हुआ बेबी, क्या चाहिए जिमी, क्या चाहिए? वो कौन चाहिए? पिनो, ए पिनी, पिनी तो इतनी चिड़ी हुई रहती है, पता नहीं क्या उसका, भी हल्की हल्की सी दोस्ती हो रही है दोनों की। हाँ ज्यादा मत लाना, थोड़ा ही लाना। अमीन गया नारियल पानी लाने और नाश्ता। मैं बोली इडली वड़ा मेरा मन नहीं है, तो बता खाओ खाओ अच्छा लगे। और 3 दिन बाद मेरी बेटी आके मेरे पास सोई है। ए पिनी, पीनू, वो जब से जिमी को लाई हो तो देखती भी नहीं मेरे पास, पता नहीं क्यों। पीना
तीन दिन बाद मेरा बच्चा मेरे बिस्तर पे है, मेरे बेड पे, मेरे तकिए पे आके सोया है, जिससे वो मेरे पास हमेशा सोते रहती है। बिना तेरा अम्मो नहीं खाता, अम्मो खाता क्या? तेरा अम्मो नहीं खाता, तू क्या खा रही बेबी? इडली बड़ा चूर के खाएगी? नहीं। तो ले अपने हाथ से, क्या चाहिए? बड़ी, तेरे को बड़ी प्लेट चाहिए, छोटी प्लेट चाहिए? ले, अरे ले, तू ले ले। अरे शो, एक दो प्लेट और दे भाई। तेरे को किसमें चाहिए? छोटी। अन्ना, तेरा फेवरेट नाश्ता अन्ना, अन्ना भाई, अन्ना भाई, या अन्ना हमारा वो। देखो नहीं, मेरा जरा भी मन दो दीदी, दवाई का डब्बा दो मम्मी का, हमेशा आपका मन नहीं करता। अबे आज मेरा बहुत मन नहीं कर रहा, कंटाला दवाई खाने भी दर्द है ना आपके। हाँ, ठीक होएगा इससे, खाओ तो। पता नहीं कब कैसे क्या लग गया। रे वो भी लेकर आ गए, मम्मी है ना, दवा का डब्बा मांग रहा। देखो दवाई का डब्बा दो, कंटाला रहा मेरे को, दवा खा थोड़ा खा लो, दवाई से हील हो जाओगे। आज ये मम्मी की पसंद के कपड़े है, रोज ही तो मेरी पसंद के पहनता है तू, और मैं बहुत खुश होती है देख के, कितना बड़ा लड़का मेरा बच्चा बन के रहता मेरे पास, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ला रेशो, तो दुनिया भर का 10 बार फोन करेगा दवा खाए के नहीं खाए, लाओ दवा दे दे बाबा, दवाई दो जल्दी। बेबी वो देख ना, बेबी बैठ बैठ के देख तो, वो देख वहां दवाई देख, कुछ काम की नहीं है रेशमा। ये सब बच्चे चले गए अपने अपने काम से, अकेले एकदम बोर हो रहा है घर में। रेशमा को भी कुछ काम था तो बोली कि खाला मैं आती हूँ, वो काम बहुत जरूरी है, फिर टाइम चला जाएगा तो फिर वो काम नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा जा, तो बोली मैं आके दूसरा दो काम करूंगी। अभी चलेगी, वो बेबी आई थी तो बेबी और वो दोनों साथ में गए, और अमीन और अली अपने काम से निकल गए। अब मुझे इतना कुछ आज काम नहीं है, तो मैं हो रही हूँ बोर, तो सुस्ती अभी जाती हूँ, नहा धो के फ्रेश होती हूँ, और खाना तो शाम को बनाऊंगी क्योंकि बच्चे शाम को आते हैं, और ठंडी का मौसम है तो खाना गरम गरम बहुत मज़ा आता है ठंडी में। और मेरे विंडो से तो इतनी हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी की, पूछो मत। तो मैं जाती हूँ, भी गरम पानी लगाती हूँ, मस्त नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, पहले जाती हूँ अच्छे वाले कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, और बस वही मेरा इधर उधर का जो काम रहेगा काम पटा के आती हूँ, और थोड़ा माइंड फ्रेश। घर में अकेले अकेले बैठ के क्या होगा, या तो सो जाओ या तो कुछ सोचते बैठो, तो वो दोनों चीज मुझे नहीं करना है। ये निकाली हूँ मटर, एंड इसके साथ बनाऊंगी मटर पनीर मेरे और अली के लिए, उसमें खूब सारा मलाई डाल के। और कल फ्रूट लाए थे, सारे फ्रूट भरे अंदर, तो ये तीन कैसे सूख गए थे फ्रिज के अंदर, कब से रखे हुए थे कब पड़े थे पता ही नहीं, तो इसको निकाले बाहर। सारे फ्रूट्स कल लाए वो अंदर रखी, बहुत सारी मलाई डाल के इसमें मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर मलाई। और ये निकाली हूँ चिकन, इसको कर दिया क्लीन, तो इसको अभी मैरिनेट करके रख दूंगी, फिर अमीन आएगा तो वो यही खाता है, बाहर मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है। तो बाहर के लिए उसको मैंने डब्बे में थोड़े से मूंग भर के दे दिए, और पानी की बड़ी सी बॉटल वो लेकर गया। और ये अली ने पता नहीं कुछ नीचे से भिजवाया, मेरे को फोन करता है कि मम्मी कुछ नया चीज भिजवाओ, आप बैठे बैठे इसको टाइम पास करो, क्या पता पनीर टिक्का एंड ये कुछ चीज बॉल, जैसे मुझे बहुत पसंद है चीज बॉल, तो ये सब चीजें भिजवाया है मेरे को, बोलते ये नया वाला है टेस्ट करो चीज का है सब। तो अभी दिए देख के दिल तो हो गया, तो एक पैकेट जब तक गर्म पानी लगाती हूँ, गर्म पानी होने तक एक पैकेट टेस्ट भी कर लेती हूँ, और इसको लगा लूंगी मसाला, और ये सब चीजें तैयारी करूंगी, और इसको देखूंगी छील के, अगर दाने अच्छे रहे तो इसको निकाल के रख दूंगी, नहीं तो फिर इसको डस्टबिन में डाल दूंगी। पानी की तो आवाज आ रही होगी आपको, पानी लगा लिया गर्म पानी फुल मस्त एकदम, क्योंकि फुल मेरे घर में ठंडी हवा बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा आती है। और ये निकाली पैकेट, तो इसको खा के थोड़ा टेस्ट करती हूँ, और उसी के साथ साथ बेडरूम में आ गई तो निकाल लेती हूँ अपने लिए कपड़े, क्या पहनूँ वो नहीं, क्योंकि ठंडी लग रही है, तो सोच रही हूँ वेस्टर्न पहनूँ या फिर इंडियन, पता नहीं, क्योंकि कुछ काम नहीं है इतना, बस अपने पर्सनल काम से हो या फिर थोड़ा सा टाइम पास करना हो या फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करना हो, तो उसके लिए मैं नीचे जा रही हूँ। चलो उसके हिसाब से निकालती हूँ कपड़े,
और नया वाला चीज टेस्ट भी करती हूँ। ये आया होगा बहुत टाइम से, पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं करी, तो इसीलिए मेरे लिए ये नया है। नहीं तो मेरे हेटर्स स्पेशल लिखेंगे कि ओहो ये तो अभी थोड़ी आया, तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, इसीलिए ये है मेरे लिए। और मेरे बेटे ने भिजवाया क्योंकि उसको पता है कि मैं नई नई कुछ चीजें जो फीकी होती है वो टेस्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये टी शर्ट, हाँ हाँ इसलिए तो पानी लगाई हूँ। ये जीन्स और ये वाली जैकेट, ठंडी स्पेशल रहती है ये सब चीज़ें, तो रखी रहती है ठंडी के टाइम, थोड़ा सा उसको वेयर करो। और ये बहुत अच्छा अली, ये जो तूने भिजवा रहा है ये पनीर, क्या ये टेस्ट? हाँ मैंने अभी टेस्ट करी, हाँ तूने वॉचमैन के हाथ से भिजवाया था नीचे से, बहुत अच्छा है, लेकिन ये मस्त है ये वाला। तूने टेस्ट किया? नहीं खाया, बहुत मस्त है, मैंने भी खाई। अच्छा लगा। हाँ तो तू अभी नहा धो के फिर निकलेगा, मेरे को लगा तू निकल गया काम के लिए। चल ठीक, अच्छा है ना, कैसा लग रहा? मेरे को भी अच्छा लगा। चलो अली आया था एक और टेस्ट करते, उसने ये भी भिजवाया था, ये भी भिजवाया था ना, ये नहीं अच्छा लगा, नहीं खाया। चलो अभी टेस्ट करे, वो तो खट्टा मीठा इतना कुछ। ये चलो उसके हाथ में दे दिया मैंने ये वाला, इसको भी ये वाला नहीं रे, इतना कुछ मजा नहीं आ रहा, तो अच्छा लगा। हाँ थोड़ा सा तीखा है, तो ये खोल, ये खोल। अरे रे 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 अली नीचे गिरा दिया सब, ये वाला चीज बॉल जैसे लग रहे ना। ये अच्छे वाले मस्त लग रहे भैया, वो थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है ना पनीर टिक्का, ये अच्छे, ये बहुत अच्छे है। ये वो कौन से अच्छे लगे? दोनों। और एक पैकेट लाओ, क्योंकि मैं मटर पनीर मलाई बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ मसाला जो रहता है वो वाइट रहता है, तो इसीलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, और हल्का सा उसमें मीठापन रहता है, तो उसके लिए लिया है मैंने किशमिश, तो ये सारे चीज़ें इसके साथ, धनिया पाउडर और तिल, थोड़ी सी तिल, वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और एक प्याज, जो ड्राई प्याज होती है ना, जैसे कि बिरिस्ता जिसको बोलते हैं, इसी के अंदर उसको पीसा जाता है। ये सारी चीज़ों का अच्छे से एक पेस्ट बनाऊंगी, और उसके साथ में टमेटो की जगह पे यूज होता है दही, तो इस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ पनीर मटर मलाई। और मलाई तो यहाँ पे बहुत सारी निकाल के रखी हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखी हूँ, और स्पाइसी के लिए इसमें मैं ऊपर से डालने वाली हूँ चिली फ्लेक्स एंड मेथी, कस्तूरी मेथी। मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, आज मैंने सोची थी कि किचन के व्लॉग में बनाऊंगी, फिर मैंने बोला छोड़ो फिर नेक्स्ट टाइम कभी करते। तो ये जो मैंने आपको पेस्ट बताई थी, सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और व्हाइट वाली तिल, बिरिस्ता एंड उसके साथ में ब्लैक, जो व्हाइट पेपर होता है ना, व्हाइट पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, जो ऑल गरम मसाले को पीस के हम घर में पाउडर रखते हैं वो, और एक चम्मच धनिया पाउडर, इसका मैंने ये पेस्ट बनाई हूँ। अब इसके साथ में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, तो इसीलिए ग्रीन चिली जो मैं स्पाइसी पीस कर रखती हूँ वो थोड़ा, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स आपको बताई स्पाइसी के लिए, और कस्तूरी मेथी को मैंने ड्राई कर लिया क्योंकि उसको चूरा करके डालना रहता है। प्रोसेस आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है, बहुत सारी इसमें लगने वाली है मलाई, तो चलिए प्रोसेस में अभी आपको ये मसाला बता दी हूँ और प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, आप घर पे जरूर बनाना ये चीज।
थी, पानी लगाई थी, वो नहा लिया अली, नहा के वो गया पराठा लाने, क्योंकि मलवाड़ पराठा जो होता है, केरला पराठा, लच्छा पराठा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ में। और घर पे आप अगर उसको गरम गरम जब खाना है, गरम गरम कर कर खाओ तो बहुत मज़ा आता है। अब मैं इनका चिकन भी आज मैंने वाइट, मस्त वाइट चिकन मैरिनेट करी हूँ, और आपको मैंने पूरा रेसिपी बताई, मटर पनीर मलाई जो रेसिपी है बहुत इजी है, आपको मैंने तरीका भी बताया कि इतने इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आप बाहर खाने जाते हो उससे बेटर आप घर पे बना सकते हो। तो इंशाल्लाह जो लोग मेरी कुकिंग पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह बनाइए ज़रूर। मैं चाहे मेरा किचन चैनल हो चाहे मेरा डेली ब्लॉग हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ रेसिपी थोड़ी तो थोड़ी शेयर करूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी रेसिपी की तारीफ करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अली ने पानी लगा के चला गया, तो दूसरा पानी वहाँ हो गया रेडी। मैं यहाँ पे दम पे छोड़ दियो वाइट चिकन को, वाइट पनीर मटर मलाई इसको, और जैसे कि आपने देखा ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी डाली हूँ। तो उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट बिल्कुल स्लो आँच पे इसको छोड़ना है, उसके बाद इसको बंद कर देना, स्टीम इसके अंदर ही रहने देना। यह हमारा हो गया रेडी। जब आपके पराठे आएंगे पराठे गर्म कीजिए, या आप घर में पराठे बनाते तो घर में बना लीजिए, और उसके बाद ही उसका ढक्कन खोलिए, जो स्टीम है पूरी अंदर चली जानी चाहिए। इंशाल्लाह खाते वक्त बताती हूँ। अब मैं जाती हूँ नहा धो के फ्रेश होती हूँ, तब तक मेरा बेटा आ जाएगा पराठा लेके, इंशाल्लाह मैं खाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। नहा धो के भी हो गया, पराठे की बैग खुल गई, और मस्त वहाँ अली लगा रहा है टेबल, दोनों माँ बेटा बैठ के खाएंगे। मेरा तो कुछ इरादा नहीं था क्योंकि बच्चे नहीं रहते थे, दोपहर में मेरा खाने का मन भी नहीं करता है, और ऐसे भी मेरा खाना बहुत कम रहता। अच्छा है ज्यादा खाना, खाना भी नहीं चाहिए ज्यादा खाना, बहुत सारी तकलीफों का ढेर है, पहाड़ है, जितना कम खाना खाओगे उतना सुखी जिंदगी जियोगे। मेरा तो यही बोलना है। चलो अब डालती हूँ पहला पराठा। अली कितना खाएगा? 3 खाएगा ना? ओके ठीक है, चलो चलो करती हूँ खाने के टाइम। बन गए पराठे और अली ने लगा दिया टेबल। चल ली, पानी नहीं लाया बेटा, नहाया था, ये कपड़े अच्छे भी लग रहे मैचिंग करके पहना। तो ये रही मेरी मटर पनीर मलाई, क्या टेस्टी एकदम। देखो ये छोटी छोटी 2 प्लेट, मैं और मेरा बेटा मस्त ठंडी ठंडी हवा आते हुए और खाने का हम लोग इंजॉय करते हुए। हाँ इधर आते अच्छा लग रहा है टी शर्ट अम्मी अली आप अच्छा लग रहा है, खुद से चॉइस करके पहना तो कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है मैचिंग। इसके ऊपर जैकेट पहन लेना जब काम पे निकलेगा तो। हाँ कैसा लगा खाना? सही था, मस्त मजा आ गया। ये जैकेट पहना, अब जाएगा मेरा बेटा काम नहीं। देखो सबसे अच्छी चीज तो एक कहाँ से आई पता है? देखो बगदाद शरीफ से बड़े पीर सरकार के अंदर फातिया हुई तबर्रुक की। अच्छा ये आया अपने को खाया भेजे? हाँ मैंने तो बहुत खाई, किसी ने भेजा है और अभी भी मैं खाऊंगी जी। मैं ये बगदाद शरीफ में बड़े पीर सरकार है ना, तो वहाँ पे की तबरुक है, जो अंदर फातिया के टाइम पे ये तबरुक रखा गया था, तो वो तबरुक है। नहीं खाते लोग मत खा जी भी नहीं। खा के तू नहीं। मेरे बेटे ने सदका भी निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये निकलेगा इसके बाद मैं निकलूंगी। अभी तो थोड़ा ही टाइम बचा, 1 घंटा बचा है असर के लिए, इंशाल्लाह असर पढ़ के फिर उतरूंगी, है ना? तू भी तभी निकलेगा ना? निकल जाऊंगा अभी। चलो जाओ संभाल के, अल्लाह हाफिज़। ये हुई असर और मगरिब ख़त्म। मगरिब जैसे असर में मैंने बोली थी असर पढ़ के बाहर जाऊंगी, लेकिन फिर मैं रुक गई क्योंकि असर के टाइम पे थोड़ा उसके पहले मुझे आँख लग गई थी, उठी तो फिर असर का टाइम था, तो असर भी फिर हुई, मगरिब अभी ख़त्म हुई। मगरिब के बाद मैं फिर लगाती हूँ अगरबत्ती लोबान पूरे घर में, बाहर घर के बाहर भी लोबार की अगरबत्ती लगाते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनक रहती है, खैर बरकत रहती है, सबसे बड़े कि आपको बहुत ज़्यादा ये माहौल अच्छा लगता है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो अच्छी लगती चीज़ तो वो आपको भी अच्छा लगता है और आपके दिल दिमाग को भी ठंडक देता है। तो ये हो गई मेरी मगरिब। अब बनाती हूँ चाय और चाय लेके बैठती हूँ, तब तक आ जाएंगे बच्चे, अभी तक तो बच्चे कोई आए नहीं है, बस ये दोनों बच्चे मेरे साथ यहाँ वहाँ जहाँ मैं चलती हूँ, ये थोड़ी सी अभी फ्री हो गई क्योंकि ये है ना 2-3 दिन से इसको क्या हुआ था पता नहीं, जब से मैंने जिमी को लेकर आई ना पीनू थोड़ी सी कटी कटी सी रह रही थी मेरे साथ, अब बराबर हो गया ना पीना,
आजा, चलो मैं बना लेती हूँ चाय और लेकर आती हूँ चाय। ये बना लिया मैंने चाय और थोड़ी सी पहनी ज्वेलरी। अब थोड़ा सा बाल बनाना है और चाय पीना है। इतने में मेरी आदत होती है कि उठूंगी, अगर बच्चे नहीं रहे तो मैं बच्चों को फ़ोन करती हूँ या मैसेज करती हूँ। तो मैंने किया फ़ोन, तो अमीन बोला मैं रास्ते में हूँ, मम्मा कुछ खाओगे नाश्ता, कुछ लेकर आऊँ आपके लिए। तो मैंने बोला क्या, तो बोले सैंडविच खाओगे, सैंडविच लेकर आता हूँ। मैंने ठीक है लेकर आऊँ। और अली तो मेरे साथ में ही खाना खा के मुझे बता के गया है कि वो कितने बजे आएगा, कहाँ जा रहा है, वो मुझे पता है। तो जस्ट अभी पी लेती हूँ चाय। और ज्वेलरी तो मैंने वेयर की हूँ, फिर से मैंने ये रिंग पहनी हूँ इसके साथ की मैचिंग की वॉच और ब्रेसलेट समथिंग, मैं वो पहनूंगी अभी। और चाय वाय पी के अमीन आने के बाद, अगर अमीन जल्दी आ गया तो वेट करूंगी, अगर टाइम लगता है उसको पूछ के फिर मैं नीचे उतरूंगी इंशाल्लाह। मेरी चाय भी, और क्या मस्त लग रही थी, कुछ मैं तैयार भी नहीं हुई अभी तक। चाय भी मेरी देखो अभी तक आधी पी हूँ मैं चाय, तब तक मेरा बेटा लेके आ गया सैंडविच। और मेरा बेटा कितना हैंडसम दिख रहा है देखो, माशाल्लाह। और घर में लोबान देख, देखना कितना तो खुशबू का मस्त है ना, बाहर देखा दरवाजे के बाहर। तो सैंडविच ओपन तो कर बेटा। चलो अब मुझे लगता है मैं निकलने का, नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखने वाली है आपको। अभी फिलहाल तो सैंडविच देखते कौन सा सैंडविच लेके आया बेटा मेरा, क्योंकि अभी तैयार होंगी और उसके बाद में फिर मैं निकलूंगी बाहर। वैसे भी मैंने आज दिन भर आपको बताई थी कि मुझे कुछ काम नहीं था, जस्ट बस अपने छोटे मोटे काम के लिए निकलने वाली थी। और उसमें फिर अब भाई को जाना था, भाई बोला कुछ बना रहे मम्मा, क्या बना ली अम्मी, और तेरे लिए चिकन मैंने देखो फोटो तो भेजी थी मैंने, मटर पनीर मलाई, अरे मटर पनीर मलाई वो साइड वाला थी, पूरा मिक्स करके लेके आ गया अम्मी उल्टा कोला। हाँ तेरी आदत है सब चीजें जल्दी जल्दी करने की। ओह सैंडविच का कचुम्बर कर दिया। जान दे तूने प्यार से लाया ना मेरे लिए, ये चीज मत फेंकना उसके ऊपर, लम एक पीस वो चीज वाला, वो चीज वाला लो ना, ये मैं आपको दूसरा चीज वाला देता हूँ। इतने सॉफ्ट क्यों हो गया ये, वो आज रस्ते में। चलो जो भी है, इतना प्यार से लेकर आया बेटे। हाँ ऑल इंडिया ग्रिल, ये यस ऑल इंडिया ग्रिल सैंडविच, ये यूट्यूब इंस्टा पे बहुत फेमस है। हाँ, वो लोग आके रील बनाते हैं उधर। चलो हम भी रील बनाएंगे, हम ब्लॉग बना रहे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। चल तू भी थोड़ा सा खा ले, तेरा चिकन भी निकाल के रखी हूँ मैं। हाँ चलो मैं चाय पीती हूँ और मुझे लगता है कि ब्लॉग एंड करके ही जाऊंगी मैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कहाँ जाने का बोल रही थी, क्योंकि मैं आप सुबह से आज बताई थी कि इतना कुछ स्पेशल काम नहीं है, बस ये है अफरा तफरी, माइंड फ्रेश और अपना काम करने। तो माशाल्लाह नमाजें जब से पढ़ने लगी तो मेरा माइंड वैसे ही फ्रेश रहता है। तो ये खा लेती हूँ इंशाल्लाह, फिर एंड करते ब्लॉग का। अल्लाह आखिर घड़ी आ गई बाहर जाने की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपनी लाइफ जैसे जीती हूँ, जैसे सोचती हूँ, जैसे रहती हूँ, मैं टिकटॉक के जमाने से वही चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जो आप रियल हो वो आप कभी चेंज हो नहीं सकते, और जो फेक है वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको दिन भर बताई कि मुझे आज कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे जाना है थोड़ा सा अफरी तफरी के लिए बाहर। लेकिन मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, मैं उनसे ज्यादा वैल्यू कोई चीज को नहीं देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे शौहर है, उनकी फैमिली है, मेरे बच्चे है, इनसे ज्यादा वैल्यू मैं किसी को नहीं देती हूँ। और आज जैसे कि दिन में जाना था तो मेरा अम्मी अली आ गया, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा कुछ बना दो, तो मैंने फटाक करके फिर उसके लिए खाना बनाई, उसके साथ खाना खाई। खाना खाने के बाद जाहिर सी बात थी कि मुझे कुछ काम नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी आलस चढ़ी और मैं जाके सो गई। अल्हम्दुलिल्लाह उठने के बाद असर मगरिब जो मेरे घर में होता है सारी चीजें करी, और जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं था इसीलिए फिर अमीन ने बोला सैंडविच लेके आ रहा हूँ, आप चाय बनाओ तब तक, तो वो मैं उनके उसके साथ शेयर करी। कहने का मतलब ये होता है कि मैं मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से जो प्यार करती हूँ ना, तो उनसे बढ़कर मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं है। मैं और मैंने ये चीज देखा पलट के कि उनके लिए भी मेरे अलावा लाइफ में कुछ जरूरी चीजें नहीं है। तो यही होता कि जो आप दोगे वो आप पाओगे, जो आप बोगे वही आप काटोगे, कहने का मतलब। तो फिलहाल सारी चीजें हो गई खत्म, मेरा बेटा भी आ गया, एक बेटा काम पे चला गया, एक बेटा आ गया अपना काम से फिनिश होके, और बस मैं अब हो गई फ्री। तो अब मैं निकल रही हूँ थोड़ी सी मेरी अफरा तफरी जो दिन भर चल रही थी कि अफरा तफरी करने जाऊंगी, माइंड फ्रेश करने जाऊंगी। तो जाऊंगी अब थोड़ा निगरों से, बच्चों से मिलूंगी, उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूंगी,
वहां से जाऊंगी टेलर के बाद और वहां से पता नहीं कहां जाऊंगी, पर अब माइंड फ्रेश कर कर इंशाल्लाह आती हूँ। फ्रेश दिख भी रहे आप एकदम। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने कपड़े निकाली थी, तो अफरा तफरी के लिए कपड़े एकदम बेटर है। और ठंडी है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए जैकेट ठंडी को कम करने का भी काम करने वाली है। और ज्यादा ठंडी लगे तो इसकी कैप भी है, उसको भी मैं ले सकती हूँ। तो चलिए, ये सब चीजों के साथ, खुशियों के साथ, अच्छी बातों के साथ, अच्छी सोच के साथ ब्लॉग को कर रही हूँ। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ या कहाँ कहाँ गई थी। तो फिलहाल बहुत खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।